कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर कुछ अंकित प्रश्नों का समावेश करेंगे। तो देखिए 3.6 आपके पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है। 15 मीटर लंबे एवं 6.0×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? रो का मान इसमें पूछ रहे हैं, तो L बराबर 15 दिया हुआ है इसमें और A का मान है 6.0×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। R का मान 5 ओम है और रो निकालना आपको, तो R बराबर रो L बटे A होता, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल। और R का मान रख दिया 5×6×10⁻⁷, ये A का मान रख दिया, और बटे 15, 5 से काटना है, 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 2×10⁻⁷ ओम मीटर। अब देखिए 3.7, सिल्वर के किसी तार का 27.5 °C पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 °C पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें अल्फा का मान निकालना हमें, तो देखिए 27.5 °C पर प्रतिरोध R 27.5 लिख दें या R0 लिख दें, हमारा सूत्र के अनुसार R0 प्रारंभिक वाला = 2.1 ओम। 100 °C पर R100 या RT लिख दें, 2.7 ओम। अब डेल्टा टी हमें कितना इससे निकाल लेंगे, कितना कितना होगा डेल्टा टी, 100 में से 27.5 घटा दिया तो 72.5 °C ये आ गया। अब क्या है अल्फा निकालना, अल्फा क्वेश्चन मार्क का सूत्र है हमारा RT = R01 + α Δt ब्रैकेट के अंदर है, तो अब अल्फा का मान निकालना, तो अल्फा = RT - R0 / R0 Δt। सूत्र बदल दिया है, चेंज कर लिया यहाँ से। अब देखिए RT का मान 2.7, R0 का मान 2.1 / 2.1 × 72.5 R Δt का मान, इसमें से दशमलव उड़ा दिए, कट गया, 3 × 3 = 7, 3 × 2 = 6, यहाँ हो गया 20 कर लिया, दशमलव ही उड़ा दी इसकी, तो कितना होगा 5 से काट दिया 145 बार, 7 से गुणा करके 1015, 4/1015 आ गया और 4 को हमने भाग किया 1015 से, तो 0.0039 आ गया, 0.0039 °C। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए 3.8, नाइक्रोम का तापन अवयव जो है वो 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, 3.2 एम्पियर प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड बाद 2.8 एम्पियर पर स्थिर हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 °C तापन अभियप क्या स्थायी ताप क्या होगा, अंतिम ताप पूछ रहे हैं, ये बाद में बना है और इसमें अल्फा का मान दिया हुआ 1.7×10⁻⁴ °C। तो देखिए हल देखिए इसका V = 230 वोल्ट है, प्रारंभिक धारा कितनी है हमारी पहली वाली 3.2, दूसरी धारा ये I1 लिख देंगे इसे, प्रारंभिक ताप कितना T1 27 °C, स्थिर ताप स्थिर धारा कितनी I2 2.8 और स्थिर ताप हमें निकालना T2, अल्फा का मान दिया हुआ हमारे पास, तो पहले R दोनों प्रतिरोध निकाल लेंगे, R1 = V/I1, V का मान तो 230 है, 3.2 इसे भाग करा तो 71.875 आ जाएगा ओम। इसी प्रकार R2 निकाल लेंगे, V2 / I2 तो 230 / 2.8 जीरो बढ़ा लेंगे, ऊपर दशमलव उड़ जाएगी तो 2300 / 28 यानी 82.143। अब α = सूत्र भी लगाया हमने वाला, α = अब यहाँ R2 और R1 दिया हुआ है, RT और R0 लिखा था हमने, कोई बात नहीं, तो R2 - R1 / R1 Δt, तो Δt = R2 - R1 / α R1, T2 - T1 होता है डेल्टा टी और इसमें 82.143 - 71.875 × 10⁻⁴ - 4 71.875। इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए T2 - 27 1000, ये 10.268 268 बचा 1.7 और 71.875 × 10⁻⁴ - 4। देखिए ऊपर 3 पे स्थान है, 3 पे ही आएगा, एक इसके बदले का 1 0 उड़ा लिया तो ये हो गया 10 1,02,680 / 17 × 71,875। इसको जब हम हल करते हैं तो यह आता 840
और इसमें से टी टू माइनस 27 इज इक्वल टू 840, टी टू इज इक्वल टू 840 प्लस 27 ये हो जाएगा आठ, टी टू इज इक्वल टू 867 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम ये जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं हल कर सकते हैं। आगे भी कुछ और न्यूमेरिकल हैं, खुद स्वयं करें। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक यू।